आप एक गीक हो, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, आपको कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और हैकिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आई एम प्रेटी श्योर यहाँ पर आपको हैकिंग रिलेटेड जो मूवीज होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। क्यों? तो ऐसे में आपने कभी ना कभी गूगल पे जाके या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च जरूर करा होगा बेस्ट हैकिंग मूवीज। क्यों? तो चलिए इस चीज को मैं और थोड़ा सा आसान बना देता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई सारे हैकिंग रिलेटेड मूवीज बताने वाला हूं जो पर्सनली मैंने देखी है, जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर एक टेक गीक को जो भी कंप्यूटर की पढ़ाई करता है, जिसे भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, इंटरनेट की दुनिया में इंटरेस्ट है, हैकिंग में इंटरेस्ट है, उन्हें इन मूवीज को जरूर देखना चाहिए। और यहां पर मैं कहूंगा कि इन मूवीज को देखने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है इंटरनेट की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में, हैकिंग की दुनिया में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्या पता यार इन मूवीज को देखने के बाद इनसे इंस्पायर्ड होके आने वाले समय में आप में से कोई एक अच्छा हैकर भी बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए जानते हैं आखिर में ये मूवीज कौन से हैं जो एक हर एक गीक को देखनी चाहिए। नंबर वन, द सोशल नेटवर्क। जैसा कि आप सभी लोगों को दोस्तों पता ही है, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर सोशल नेटवर्क की, तो यहाँ पर एक नाम जरूर आता है जो कि है फेसबुक। तो ये जो दोस्तों मूवी है द सोशल नेटवर्क मूवी, ये है फेसबुक के ऊपर। तो यहाँ पर फेसबुक कैसे बना, स्टार्टिंग में फेसबुक कैसा था, स्टार्टिंग में फेसबुक का नाम क्या था, क्या आप सभी लोग जानते हैं? शायद आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो इस मूवी में दोस्तों यहाँ पर फेसबुक के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे मार्क जुकरबर्ग ने एक छोटे से कंप्यूटर से एक प्रोजेक्ट के तौर पे इसे स्टार्ट किया था और देखते ही देखते ही जो फेसबुक है वो कितना बड़ा हो गया। स्टार्टिंग में इसका नाम कुछ और था, उसके बाद धीरे धीरे चलते ये काफ़ी ज़्यादा कॉलेज में फेमस हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसे और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए यहाँ पर फंडिंग की जरूरत थी, लेकिन मार्क जुकरबर्ग के पास पैसे नहीं था, तो उसने अपने फ्रेंड से पैसे लिए यहाँ पर और उसे पार्टनरशिप दे दिया। उसके बाद जैसे चलते चलते यहाँ पर आगे जाके यहाँ पर फेसबुक में कुछ लीगल्स प्रॉब्लम आया, उसे कैसे सॉल्व किया, यहाँ पर कैसे दूर किया, तो ऐसे कई सारे स्टोरीज जो है फेसबुक से रिलेटेड, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, वो सारी जो चीजें यहाँ पर फेसबुक के बारे में बताया गया। और इस मूवी को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे फेसबुक की शुरुआत हुई, कैसे एक छोटा सा फेसबुक आज वर्ल्ड का नंबर वन सोशल नेटवर्क बन गया। नेक्स्ट है हु एम आई। अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो मूवी है हु एम आई थिंक मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो ये जो स्टोरी है दोस्तों एक ऐसे लड़के की है जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट शाय टाइप का होता है, जो अपने डैड से कभी भी नहीं मिला था, और करीब 8 साल की उम्र में उसकी जो माँ है वो सुसाइड कमिट कर लेती है। तो ऐसे में लगता है कि वो एक लूज़र है, एक जीरो है, रियल वर्ल्ड की दुनिया में उसकी कोई अहमियत नहीं है, सब लोग उसका मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। रियल वर्ल्ड की दुनिया में जैसे हम इंसान की दुनिया में उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी परवाह नहीं करता, सब लोग उसका मजाक उड़ाते। तो उसे लगता था कि रियल वर्ल्ड की दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसे जीरो समझते हैं। तो ऐसे में वो अपना जो ज़्यादातर समय है वो इंटरनेट में बिताता था, और इंटरनेट में जब भी वो समय बिताता था तो उसे लगता था कि यस इंटरनेट ही मेरी दुनिया है, और इंटरनेट की दुनिया में मेरी अहमियत है, इंटरनेट की दुनिया में मुझे अपनापन फील होता है। तो इसी के चलते वो अपना जो ज़्यादातर समय है वो इंटरनेट में स्पेंड करता था, डार्क नेट यानी इंटरनेट की ऐसी दुनिया पे स्पेंड करता था जहाँ पर बहुत सारे जो काम है वो इल्लीगल तरीके से होते थे। तो वहाँ पर वो अपने सुपर हैकिंग हीरो से मिलता है, और उसी को देखने के बाद, उससे मिलने के बाद यहाँ पर वो उसी से इंस्पायर होकर उसी की तरह बनना चाहता है, और एक हैकिंग ग्रुप को बनाता है जिसका नाम होता है क्ले। और इसी के चलते धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती रहती है, और किस तरह से वो जो हैकर है, ये जो लड़का है, वो एक हैकर बन जाता है डार्कनेट की दुनिया में, और किस तरह से तबाही मचा देता है। तो इसी के ऊपर एक स्टोरी है यहाँ पर इस मूवी पे, जो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है हु एम आई। और इस मूवी में ये बताया गया है कि इंटरनेट की दुनिया में जो भी सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है वो सेफ नहीं है। नेक्स्ट मूवी का नाम है दोस्तों मिक्की वायरस। वेल ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और कॉमेडी थ्रिलर मूवी है, जो आई थिंक मेरे ख्याल से हर कंप्यूटर गीक को जरूर देखनी चाहिए। जी हाँ, ये मूवी है एक हैकिंग के ऊपर, ये जहाँ पर हैकिंग के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाता है, जहाँ पर बेसिकली डेली बेस्ड मूवी है, जो एक लड़का होता है बहुत ही लेजी होता है, बहुत ही आलसी होता है, और फटाफट से अपने काम को निपटाने के लिए शॉर्टकट अपनाता है, स्मार्ट तरीका अपनाता है, और उसका नाम होता है मिक्की। तो यहाँ पर जो ACP होता है कुछ साइबर केसेस को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मिक्की का सहारा लेता है। तो जो स्टोरी है ऐसे धीरे धीरे आगे चलती रहती है, और आगे जाके मिक्की को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो बैंक में काम करती है, और ऐसे में वो लड़की कहती है कि उसने गलती से जो एक अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, वो किसी दूसरे अकाउंट में गलती से ट्रांसफर कर दिया है। तो ऐसे में उस ट्रांजेक्शन को, वेब ट्रांजेक्शन को वो रिवर्स करना चाहती है, तो विक्की से मदद लेने की कोशिश करती है, तो विक्की बैंकिंग सिस्टम को हैक कर लेता है, और उसके बाद उस
अमाउंट को किसी दूसरे अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो वो ट्रांजेक्शन किया गया रिवर्स ट्रांजेक्शन, वो एक रिवर्स ट्रांजेक्शन नहीं बल्कि एक रॉबरी होती है, चोरी होती है। तो यहाँ पर इस मूवी में आपको दिखाया जाता है कि कैसे एक बैंकिंग सिस्टम को हैक किया जाता है, उसके बाद मिक्की अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करता है। तो ये जो मूवी है आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस मूवी को भी आपको बिल्कुल देखना चाहिए। नेक्स्ट मूवी जिसका नाम है दोस्तों स्टीव जॉब्स, और यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो, आप एक गीक हो यहाँ पर, तो आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर आप स्टीव जॉब्स को ना जानते हो, ये हो ही नहीं सकता। बहुत से लोगों की तो ये इंस्पिरेशन भी है। तो यहाँ पर आप स्टीव जॉब्स को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि उन्होंने किस तरह से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डिजाइन को ही बदल के रख दिया, किस तरह से यहाँ पर एप्पल कंप्यूटर को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, ये कैसे शुरुआत हुई इसकी, कैसे बना, ये सारी जो चीजें हैं इसी स्टीव जॉब्स मूवी में बताई गई है। और कैसे शुरुआत हुई इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें भी आपको इस मूवी में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आप स्टीव जॉब्स के ट्रूली फैन हो, उन्हें फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट मूवी का नाम है अनफ्रेंडेड डार्क वेब। वेल इस मूवी में यहाँ पर डार्क वेब के बारे में बताया गया, और आपको पता होगा अगर आपको इंटरनेट की दुनिया में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, आपने थोड़ा बहुत भी इंटरनेट के बारे में नॉलेज ले रखा है, तो आपने डार्क वेब के बारे में जरूर सुना होगा। तो इस मूवी में यहाँ पर डार्क वेब के बारे में बताया गया है कि कैसे डार्क वेब में क्या क्या होता है, कैसे डार्क वेब में यहाँ पर लोगों को फंसाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो मूवी है थोड़ी सी हॉरर जरूर है, बट क्या यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इंटरनेट के बारे में। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो लड़का है और इसके जो फ्रेंड्स हैं वो बेसिकली डार्क वेब की दुनिया में चले जाते हैं, और ऐसे में हैकर उन्हें ट्रैक कर रहा था, उन्हें देख रहा था, और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो ऐसे में हैकर उनके साथ एक गेम खेलता है और गेम ना खेलने पे उन्हें मार देता है। तो इस तरह से दोस्तों वो लोग एक हैकिंग की दुनिया में या फिर कह लो डार्क वेब की दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो इस वीडियो में यहाँ पर इस मूवी में यहाँ पर ये बताया जाता है कि डार्क वेब क्या है, डार्क वेब की दुनिया में क्या होता है, कैसे इलीगल काम होते हैं। वेल मूवी थोड़ी सी डरावनी जरूर है बट इंटरेस्टिंग भी है, एंड बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। अगर आप डार्क वेब के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो डेफिनेटली इस मूवी को आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग हैकिंग रिलेटेड मूवीज जो आई थिंक मेरे ख्याल से हर एक टेक गीक को, कंप्यूटर गीक को जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो लाइक करके मुझे जरूर बताना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके। कमेंट में बताना कि आपको ये मूवीज कैसे लगे, आपकी नज़र में कोई और मूवीज है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर कह लो हैकिंग से रिलेटेड जो लोगों को देखना चाहिए, गीक को देखना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाँ, मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।